फाइनली सेरा को शूट करने का एक और मौका मिल चुका है। सो अभी आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जो सबसे पहले इसका जो साइड व्यू है उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। जो इससे पहले इन्होंने शोकेस किया था मॉडल, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। एंड येट जो इसकी ओरिजिनल सेरा थी उससे बिल्कुल ये उसका एक नया इवोल्यूशन आप इसे कह सकते हैं। अगर फ्रंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टाटा की नई ब्रांड आइडेंटिटी है उसको ये रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें कि जो LED DRL है वो पूरा इसके लेंथ में रन करता है। उसके नीचे यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिलेगा। उसके बाद जो इसकी मेन लाइट्स हैं वो यहाँ पे नीचे रहने वाली है। इसमें और साइड की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको EV की बैजिंग मिलेगी। और जो सेरा की आइडेंटिटी थी, जो इसका B पिलर था, वो यहाँ पर बिल्कुल पुरानी वाली सेरा की याद दिलाता है। और रियर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो उसका स्पॉइलर है वो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन में है। यहाँ पे 2-tone कलर इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इसके रियर की बात करें, जो टेल लाइट है जैसा फ्रंट में था वैसा ही यहाँ पे रियर में भी जो इसकी टेल लाइट है वो पूरी इसमें रन करती है। और नीचे यहाँ पे एक अलग डिटेलिंग यहाँ पे देने की कोशिश करी। नीचे सिल्वर का यूज़ है, ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश है। एंड यहाँ पे जो आप देखेंगे जो इसका डी पिलर है उस पर जो सरफेस है यहाँ पे वो काफ़ी बाहर की तरफ है, तो पीछे से इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। सो इंटीरियर में जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा प्रोडक्शन स्पेसिफिक लग रहा है। यहाँ पे 2 स्क्रीन है, नया स्टीयरिंग व्हील है, यही इनकी डिज़ाइन आइडेंटिटी होने वाली है। जो गियर लीवर है वो यहाँ पर हमने हैरियर EV में भी देखा था। एंड उसके बाद पूरी पैनोरामिक रूफ होने वाली है। और पीछे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे लाउंज वाला एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से है टाटा की सेरा।